महाराष्ट्र के भिवंडी में देर रात एक चार मंजिला इमारत गिरने से जहां दो लोगों की मौत हो गई, वहीं अब तक मलबे से पांच लोगों को बचाया गया है। ये चार मंजिला इमारत 8 साल पुरानी और इसे अवैध रूप से बनाया गया था। महाराष्ट्र के भिवंडी के शांति नगर इलाके में देर रात एक चार मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में अब तक जहां दो लोगों की मौत हो गई है, वहीं मलबे से पांच लोगों को बचाया गया है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे में घायलों को पास के IGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। पौने पाँच बजे आई, जिसको मैं लेने खुद गया, NDRF टीम को यहाँ ले गया, लेकिन यहाँ भिवंडी महानगर पालिका के पास आपातकालीन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक के घन न तोड़ा या काटने के कोई कटर वगैरह तक नहीं है, खाली आगे मुंह देख रहे थे एक दूसरे का। भिवंडी निजामपुर नगर निगम के कमिश्नर अशोक रणखंब ने कहा कि उन्हें पहले ही जानकारी मिल गई थी कि ये इमारत गिर सकती है और इसलिए उन्होंने तुरंत इमारत के गिरने से पहले ही उसे खाली करा लिया, लेकिन उसके बाद में कुछ लोग फिर इमारत में चले गए। रात को ये 1:18 के आसपास में बिल्डिंग गिरी थी। हम सब लोग इमीडिएट यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे। भिवंडी के जो आपातकालीन कक्ष के लोग हैं और भिवंडी के अग्निशमन के लोग हैं, NDRF की टीम यहाँ मौजूद है, थाना की टीम यहाँ मौजूद है, थाना के अधिकारी यहाँ मौजूद है, और जितना अंदाज था कि एक चार पांच लोगों की अंदर जो घुसने वाले लोग थे, तो उनका उसी टाइम जो वैकेट किए बिल्डिंग में लोग आए थे और उसी वैकेट किए बिल्डिंग के सामान निकलने के जो लोग आए थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें दो लोगों की मृत्यु हुई। ये चार मंजिला इमारत 8 साल पुरानी है और इसे अवैध रूप से बनाया गया था। इससे पहले मुंबई के डोंगरी में भी इमारत गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।